हेलो मेडिकोज, आज मैं बताने वाला हूँ चार ऐसी ब्रांचेस जो कि जिनमें जॉब्स बहुत 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 सारे, जितने भी प्रोफेशन इंडिया में ले लें उन सबसे ज़्यादा जॉब इन प्रोफेशनल्स के पास हैं। जो चार मैं बताने वाला हूँ, ये लोग कभी मुझे बेरोजगार नहीं दिखाई देते। और मैं गूगल वूगल वाली इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा जहाँ पर रेशो वेशो ये दिए रहते हैं। मैं वो बताऊँगा कि जो मुझे दिखाई देता है कि इनके जो ये कोर्सेस करने के बाद पोस्ट MBBS, क्या ये लोग कहीं बेरोजगार दिखाई देते हैं मुझे? कभी नहीं, इतने साल हो गए, 25-30 साल इमीडिएटली आफ्टर पासिंग आउट दीज एग्ज़ाम्स। तो और ये मैं वीडियो बना क्यों रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस, हाईएस्ट अर्निंग ब्रांचेस, इन सब पर बात करता रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों की थॉट प्रोसेस यही रहती है कि मुझे एक कूल जॉब मिल जाए, ज़िंदगी अच्छी रहे, मतलब मस्त जॉब, एक 1.5-2 लाख-3 लाख का मिल जाए मुझे, पर माँ का सिक्योर हो और मैं खुश हूँ, फिर मैं अच्छी लाइफ अपनी जीते रहूँगा, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं है। हालांकि ये जॉब्स लेने के बाद भी आप बहुत ग्रो कर सकते हैं, वो भी मैं अलग से बता दूंगा। ये जो मैं आज जॉब बता रहा हूँ, इनमें एक भी DM या MCH नहीं है जॉब ओरिएंटेड जॉब्स में। क्यों? क्योंकि मैंने वेटेज दिया है गवर्नमेंट जॉब्स को कि किसमें गवर्नमेंट जॉब सबसे ज़्यादा सिक्योर गवर्नमेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। हालांकि मैं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के जॉब और कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के जॉब भी इसमें कंसीडर करूंगा, लेकिन वेटेज मैंने दिया है गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स को। तो DMMCH में गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब लिमिटेड होते हैं, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में सुपर स्पेशलिटी ना होकर बेसिक केयर होता है। तो इसलिए पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जॉब वाली ब्रांच कौन सी है, गैस करो और लिखो जल्दी से, चीटिंग नहीं करना, पीडियाट्रिक्स, मेरी ब्रांच। पीडियाट्रिक्स हालांकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन रेट है, लेकिन बावजूद इसके इसमें जॉब्स बहुत हैं। और मैंने कभी किसी अपने MD पीडियाट्रिक पोस्ट ग्रेजुएट को 25 साल में बेरोजगार होते नहीं देखा। विद इन फ्यू डेज दे गेट जॉब्स। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि गवर्नमेंट का जो फोकस होता है किसी भी देश के लिए, आप जानते हो कि इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट और न्यूनेटल मॉर्टलिटी रेट और अंडर 5 चाइल्ड मॉर्टलिटी रेट, आप ये सब पढ़ते हो, ये बहुत बड़ा धब्बा होता है जिस देश में ज़्यादा होती हैं। आप चाहे कितनी भी इकोनॉमिकल तरक्की कर लो, लेकिन यदि इन डेटा को आपने ठीक नहीं किया तो आपको कभी भी बहुत विकसित देश नहीं माना जाएगा। इस वजह से सरकार का हमेशा इन डेथ्स को कम से कम करने में फोकस होता है। और इन डेथ्स को कम करने का जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं या सबसे ज़्यादा जिन्हें ये काम आता है, वो होते हैं पीडियाट्रिशियंस। तो पीडियाट्रिशियंस की ज़रूरत, वेदर इट इज़ डिप्लोमा DCH या MD, बहुत ज़्यादा होगी। अब मैं जॉब सेक्टर्स बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर होगा। एक फ्रेश MD पीडियाट्रिक्स यदि है तो उसको SR-शिप जल्दी से मिल जाती है, कहीं ना कहीं किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और इस SR-शिप के थ्रू वो ज़्यादातर अपने बॉन्ड्स की जो एक साल की लिमिट होती है वो भी पूरा कर लेते हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए SR-शिप की ज़रूरत होती है, एक साल SR-शिप मैंडेटरी है NMC के अकॉर्डिंगली, तो वो भी इनका पूरा हो जाता है। तो ज़्यादातर ये लोग 2-3 साल SR-शिप करते हैं, जिससे वो काम भी बेटर सीख पाते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ पाता है और साथ ही साथ में उनको एक्सपीरियंस मिलता है और बॉन्ड वगैरह की शर्तों से भी वो बाहर आ पाते हैं। तो SR-शिप पहली चीज़ हुई। दूसरा, जिन लोगों को टीचिंग प्रोफेशन में नहीं आना है उनको SR-शिप की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो सीधे गवर्नमेंट जॉब ग्रैब कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब होते हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, CHCs हैं, गवर्नमेंट के दूसरे सेटअप्स हैं, जितने भी सिविल हॉस्पिटल्स हैं, इन सब में गवर्नमेंट जॉब्स की, पीडियाट्रिक्स के बिना ये चलेगा नहीं। फिर NHM इतनी बड़ी संस्था है, NHM जिसमें फोकस मैटरनल मॉर्टलिटी रेट और न्यू इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट और चिल्ड्रन मॉर्टलिटी रेट को कम करने का फोकस है पूरा, तो उसमें ढेरों जॉब है। बहुत सारे SNCUs स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स में इमीडिएट फ्रेश एंट्री होती है एडहॉक 1-1.5 लाख पर मंथ जॉब पर। तो इनको जॉब्स किस सैलरी पर मिलते हैं? आमतौर पर ये सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर में 1 लाख प्लस होती है, 1-1.5 लाख रुपये महीना। ज़्यादातर जॉब एडहॉक या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगे, बाद में रेगुलर भी हो सकते हैं, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कुछ डिविशंस हैं, डिफरेंसेस हैं। रेलवे में मिलता है जॉब, और कहाँ पर मिलता है? NTPC, कुछ जो PSUs होते हैं, NTPC हुआ, MPV हुआ, BHEL हुआ, तो ऐसे सभी सेल गेल, ये जितने भी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं आप देखते हैं, इनमें इनको जॉब्स मिलते हैं।
कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पीडियाट्रिक यूनिट के बिना पूरा मल्टी स्पेशलिटी माना नहीं जाएगा, वहाँ मिलते हैं। दूसरा ये है कि आपने गौर किया अपने शहर पर कि सबसे ज़्यादा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अतिरिक्त सबसे ज़्यादा संख्या में किसी चीज़ के आपको हॉस्पिटल मिलेंगे तो वो एक्सक्लूसिव पीडियाट्रिक हॉस्पिटल आपको मिलेंगे। तो पीडियाट्रिक हॉस्पिटल जहाँ एक्सक्लूसिव होंगे वहाँ जॉब रिक्वायरमेंट्स भी होंगी। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स साथ में, अभी पीडियाट्रिक की कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स की चेन आने शुरू हो गई हैं, जैसे कि रेनबो जो हैदराबाद से शुरू हुआ उसको आप देखिए, वो एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो वह उसके मल्टीपल हॉस्पिटल्स आते जा रहे हैं। तो इस तरह से हम देखें तो कॉरपोरेट सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, या गवर्नमेंट सेक्टर हो, या मेडिकल कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब्स तो भरपूर मात्रा में है पीडियाट्रिशियंस के लिए जॉब। और ये सपोज़ कोई दूसरा हॉस्पिटल है, जब सपोज़ कार्डियक यूनिट है एक CTVS सर्जरी, तो वहाँ बच्चों की यदि सर्जरी होती है तो पीडियाट्रिशियन के बिना काम नहीं चल सकता सपोर्टिव केयर के लिए। सपोज़ ऑन्कोलॉजी का एक हॉस्पिटल है डेडिकेटेड, कैंसर जिसमें सर्जरी होती है, कैंसर ट्रीटमेंट होता है, वहाँ बिना पीडियाट्रिशियन के कैंसर ट्रीटमेंट बच्चों का कर तो लेंगे बट सपोर्टिव केयर कैसे देंगे। तो पीडियाट्रिशियंस की रिक्वायरमेंट इन जॉब्स में बहुत ज़्यादा है। पीडियाट्रिक ब्रांच की अलग प्रॉब्लम है, तो वो मेरे लॉन्ग वीडियो में आप एक घंटा मैंने बोला है, डिटेल में समझाया, उसको देखिए तो उसके प्रोज एंड कॉन्स आपको डिटेल में समझ आएंगे। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जॉब वाली जो ब्रांच है, जिसको मैं ओवरऑल में आप मेरी फेवरेट ब्रांच में देखते हैं, नंबर वन पर मैं रखता हूँ, लेकिन यहाँ मेरा फोकस क्या है, जॉब ओरिएंटेड। तो जॉब ओरिएंटेड में ये पीडियाट्रिक के बाद आ रही है, ये है जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन के बिना कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कोई भी मेडिकल कॉलेज, कोई यूनिट नहीं चल सकती। तो जनरल मेडिसिन वाले का प्लेसमेंट कहाँ होगा, अगेन इनको SR-ships शुरू में मिलेंगी, बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं वेरियस मेडिकल कॉलेजेस में। मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है तो इनकी रिक्वायरमेंट होगी। अब ये मत लड़ने लगना मुझसे कि सर जॉब कहाँ है जॉब का, अरे भैया जॉब तुम्हें ज़रूरी नहीं कि घर के बाजू में मिल जाए, आपको जॉब के लिए अपनी जगह थोड़ा बहुत मूव करनी पड़ सकती है यदि आप जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट के हो। तो ये नहीं कि मेरी जगह पे तो सर जॉब नहीं है, आप बोल रहे हो जॉब है बहुत, इस तरह के कमेंट कुछ लोग करते हैं फ्रस्ट्रेशन में। तो देखो जॉब इन फील्ड्स में बहुत ज़्यादा है, आपको अपनी जगह उस जगह पर जाना होगा जहाँ नीड है लोगों को। अल्टीमेटली आपको भीतर से सर्व करने की भी टेंडेंसी रखना है, सिर्फ गेन करने की नहीं। सिर्फ गेन करने की टेंडेंसी रखेंगे तो फिर ये प्रोफेशन सूटेबल नहीं है हमारे लिए, ठीक। गेन अपने आप होगा, गेन इसका बाय प्रोडक्ट है, जो भी नाम और पैसा इसमें आता है वो बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो आपको मेडिकल कॉलेजेस में जॉब मिलेंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, CHCs, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जनरल मेडिसिन डॉक्टर्स के बिना अपना काम नहीं चला सकती। अगेन ये जितने भी पीडियाट्रिक के लिए मैंने जितनी हॉस्पिटल बोले, इन सब जगहों पर, चाहे वो रेलवे हो, PSUs हो, सब जगह पर मेडिसिन की ज़रूरत होगी। मेडिसिन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा फैकल्टी चाहिए होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, तो वहाँ पर तो इजीली आपको मिलेगा। जितने भी कॉरपोरेट और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ तो ये आपको मिलना ही मिलना, उसके बिना तो आपके बिना चलना नहीं है, आप फीडर होते हो, आप हॉस्पिटल चलाने वाले हो तो जनरल मेडिसिन वाले। थर्ड नंबर पर गेस करो एक और सर्जिकल ब्रांच आ गई, ठीक है। अब मतलब पहली दो मेडिसिनल ब्रांच हुई, अब ये सर्जिकल ब्रांच। थर्ड नंबर पर सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं जिसका यदि आप गेस करना आसान होगा, यदि आप मेरे पहले की इंट्रोडक्शन को ठीक से आपने सुना होगा, गवर्नमेंट का फोकस इन्फेंट मोर्टिलिटी के साथ साथ मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट को कम करने का भी होता है। तो मैटरनल एनीमिया, प्री एक्लेम्शिया, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, सीजेरियन, तो अभी भी गायनेकोलॉजिस्ट छोटी जगहों पर नहीं है, सीजेरियन सेक्शन नहीं हो पाते हैं कई छोटी जगहों पर। तो छोटी जगहों पर गवर्नमेंट उनको एक डिसेंट जॉब देती है, साथ में इंसेंटिव्स भी देती हैं वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स में। यहाँ बहुत सारी जगहों पर गायनेकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। कॉन्सेंट्रेशन हाईली सैचुरेशन सिटीज़ में है, लेकिन पेरीफेरी में जो ज़रूरत है गायनेकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा है। तो जॉब्स इसमें अगेन स्टेट गवर्नमेंट्स में बहुत सारे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में ढेरों सारी सीट्स निकलती हैं और नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, न्यू एम्स खुल रहे हैं, न्यू इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं, तो इन सब में रिक्वायरमेंट है गायनेकोलॉजिस्ट की, ऑप्स गायनी, ठीक है। फोर्थ नंबर पर फिर से एक ब्रॉड स्पेशलिटी कोर ब्रांच जिसके बिना कोई हॉस्पिटल नहीं चल सकता, और ये सारे के सारे जो मैंने जॉब्स बताए यहाँ भी अप्लीकेबल हैं, वह जनरल सर्जन। जनरल सर्जन भी अगेन हॉस्पिटल को चलाने वाले होते हैं, प्राइमरी फीडर होते हैं ये पेशेंट्स, आपके पहले इनके पास आएगा कोई भी सर्जिकल पेशेंट। तो जनरल सर्जरी
भी बहुत ज़्यादा जॉब वाली ब्रांच है। तो ये था वीडियो, यदि आप जॉब ओरिएंटेड माइंडसेट के हैं तो ये ब्रांचेस आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि अन्य दूसरी ब्रांचेस में जॉब नहीं है। फॉर्चुनेटली मैं बता चुका हूँ कि मेडिकल फील्ड में तभी तो मम्मियाँ और आपके जो पेरेंट्स होते हैं, क्यों इस फील्ड के लिए ज़्यादा, आप देखो बच्चे भी आते हैं मेरे पास जितने, अरे सर आपके जैसा डॉक्टर बनाना है। मैं बोलता भी क्या बोरिंग डॉक्टर बनाओगे, इसको कुछ और बनाओ। तो बच्चा बोल रहा था सर मुझे यूट्यूबर बनना है आपके जैसे। मैंने बोला भाई मैं यूट्यूब, मेरी आइडेंटिटी यूट्यूबर से मत जोड़, मैं डॉक्टर हूँ। तो बच्चे जो हैं यूट्यूबर बनना चाहते हैं आजकल, सौरभ जोशी जैसे ध्रुव और जितने भी हैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स। लेकिन पेरेंट्स अभी भी डॉक्टर क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं कि इस फील्ड में कम से कम खा तो लेगा बच्चा, कम से कम इकोनॉमिकली क्राइसिस में नहीं जाएगा, बेरोजगारी नहीं होगी। इसलिए ये फील्ड इकोनॉमिकली और रोजगार के हिसाब से काफ़ी सिक्योर समझी जाती है। हालांकि इसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, जिसके लिए आप मेरा वो वीडियो देखिए फ्यूचर ऑफ डॉक्टर साला, ठीक है। उसमें डेटा वेटा पे मत जाइए, डेटा बदलते रहते हैं, मैंने जो बोला है एनालिसिस पर, मेरे एक्सपीरियंस पर जाइए। थैंक यू वेरी मच। फीडबैक देना वीडियो के कंटेंट, साउंड क्वालिटी, मेरे कंटेंट डिलीवरी सब पर। थैंक यू। और सजेशन भी देना, मैं आप लोगों के सजेशन सुनता हूँ।